लोकसभा का चुनाव हुआ, मैंने और हमारी पूरी टीम ने लटेरी में 13 मतदान केंद्रों पे कांग्रेस के पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिए, हम लड़े हैं उसके लिए, ये कोई नहीं लड़ा, हमने रात भर लड़े। होटल द ग्रैंड पैलेस, इंडोर टूर, मैट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, पता है साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर। लोकसभा सांसद लता वानखेड़े का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने सियासी गलियारों में हलचल मचा कर रखी है, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी वीडियो में जहां लता वानखेड़े से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, वहीं कह रहे हैं कि उन्होंने चुनाव के दौरान 13 बूथ पर कांग्रेस के एजेंट नहीं बैठने दिए और 15-15 वोट डाले। वीडियो के वायरल होते ही सांसद लता वानखेड़े पर फर्जी तरीके से चुनाव जीतने के आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी गुड्डू राजा बुंदेला ने चुनाव निरस्त करने की मांग की है। वहीं सांसद लता वानखेड़े ने वीडियो के वायरल होने के 2 दिन बाद सफाई पेश की है और इसे कांग्रेस का षड्यंत्र बताया है। उन्होंने ये तो स्वीकार किया है कि कार्यक्रम की जानकारी न होने के कारण भाजपा कार्यकर्ता नाराजगी जाहिर कर रहे थे, लेकिन चुनाव को लेकर कहा है कि वहां लोकसभा की नहीं बल्कि स्थानीय निकाय चुनाव की चर्चा हो रही थी। ये उस दिन हम लोग लटेरी गए थे, कुशवाहा समाज का एक बड़ा कार्यक्रम था। कुशवाहा समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी ने वो कार्यक्रम रखा था। 21 तारीख से लगातार वो कार्यक्रम हम डेट नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने 19 तारीख को वो कार्यक्रम रखा। बड़ा कार्यक्रम था, 3-4 हज़ार पब्लिक उसमें थी, तो हम उस कार्यक्रम में गए थे। और बाकायदा हमारे यहाँ से जो सूचनाएँ जाती हैं, जो कार्यक्रम जारी होता है, पूरा प्रशासन को जारी होता है, संबंधित जनप्रतिनिधियों को जारी होता है, तो पूरा कार्यक्रम यहाँ से जारी हुआ। लेकिन जब हम जा रहे थे तो कुछ लोग वहाँ खड़े थे रास्ते में, उन्होंने हमें रोका, फिर रुकने उन्होंने हमारा स्वागत भी किया और फिर उन्होंने हमसे थोड़ी सी नाराजगी व्यक्त की कि दीदी आपकी सूचना नहीं है आने की। तो हमने उनको कहा कि नहीं, सूचना तो बकायदा गई है यहाँ से, और कार्यक्रम चूंकि कुशवाहा समाज का है तो उनकी व्यवस्था के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं, उन्होंने जहाँ जैसी व्यवस्था की है उसके अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं। तो उन लोग की थोड़ी सी आपस में वहीं कार्यकर्ताओं की कुछ मतलब आपस में कुछ बहसबाजी शुरू हो गई और हमें तो कुछ समझ नहीं आया कि किस पर्पज से हो रही है बहसबाजी। फिर इतना होने के बाद हम अपनी गाड़ी में बैठ गए, फिर पीछे उन लोगों का और कुछ चलता रहा, इसकी जानकारी। इसमें एक बात भी आ रही है वीडियो में कि आपके चुनाव में बूथ कैप्चरिंग और फर्जी वोटिंग की बात की जा रही है। नहीं, वो हमारे चुनाव की बात नहीं थी, संभवतः वहाँ जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे उस पर्पस में ही वहाँ झगड़ा हो रहा था। एक पक्ष जो नगर पालिका के नगर परिषद के अध्यक्ष थे वो और बाकी लोगों में कि इन्होंने हमारा विरोध किया, उन्होंने कहा नहीं हमने इनका विरोध नहीं किया, हमने उस तरीके की कुछ चर्चा हो रही, तो वो हमें सुना रहे थे कि दीदी हमने अपने चुनाव में ऐसा किया। तो वो स्थानीय निकाय चुनाव की, संभवतः स्थानीय निकाय चुनाव की बात कर रहे थे वो लोग। जी, आपका वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस का कहना है कि ये चुनाव निरस्त किया जाना चाहिए, तो क्या कहना? देखिए, कांग्रेस की तो यही नीति है, वो उनको एक्चुअली इतनी शिकस्त उन्हें जो मिली है सागर लोकसभा से, तो कहीं ना कहीं उनको फ्रस्ट्रेशन है और वो इस तरह के मौके ढूंढ रहे हैं। मुझे तो लगता है उन्हीं का षड्यंत्र है कुछ, उन्होंने ही वीडियो को तोड़ मरोड़ के इस तरीके से पेश किया है और ये बिल्कुल गलत है इस तरीके से करना। और कार्यकर्ताओं की जहां तक बात है तो कार्यकर्ताओं से हमारी जब बात हो चुकी थी, हम उनको सेटिस्फेक्शन फाई कर चुके थे, कार्यकर्ताओं से केवल इतनी ही बात थी कि आपने हमें सूचना दी, तो हमने उनको बताया कि सूचना दी है, उसके बाद बात खत्म। उसका पता नहीं किसने वीडियो बनाया और किसने इस तरीके से उसे तोड़ मड़ोड़ के पेश किया, ये मुझे नहीं पता। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डीलक्स रूम, फील द कंफर्ट, इंडोर टूर, मैट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, स्वादिष्ट खाने का आनंद लीजिए प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।